गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो जनन के समय होता रिप्रोडक्शन है वो बीज के द्वारा हम करते हैं, तो बीज के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब बीज के अलावा जब प्रोपेगेशन बीज या जनन है वो बीज के अलावा किसी अन्य भाग से किया जाता है तो उसको कहा जाता है, किसी अन्य भाग के द्वारा नए प्लांट का निर्माण किया जाता है तो कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन। उन प्लांट्स को सीड क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन से बनता है, तो सीड हो गया रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट, सेक्सुअल सेक्सुअल के द्वारा होता है तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ वेजिटेटिव मतलब कायिक भाग, तना हो सकता है, पत्ती, जड़ हो सकती है, जड़ का मॉडिफिकेशन हो, स्टेम कोई सा भी जिसका मॉडिफिकेशन करके वो बना हुआ हो और उसके द्वारा प्लांट यदि ग्रोथ करता है, नया प्लांट का निर्माण करता है तो उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जिन पार्ट्स का इसके अंदर उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है प्रोपेग्यूल। किसी भी पार्ट्स का यदि इसके अंदर उपयोग किया जाएगा उसको कहा जाएगा प्रोपेग्यूल। तो प्रोपेग्यूल के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो दो प्रकार से हो सकता है, कितना टाइप्स का होगा। एक तो क्या कहा जाएगा जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसको कहा जाएगा प्रोपेग्यूल कहा जाएगा। दूसरा कि इसमें दो प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एक होता है नेचुरली प्राकृतिक तरीके से, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी चीजें हैं उन प्लांट्स के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती है, नए प्लांट्स को फॉर्मेशन में मदद करती है, तो वो हो जाएगा नेचुरल। प्रकृति ने बहुत सारी चीजों कैसे बनाया जो अपने आप ग्रोथ करते हैं, अपने आप उनकी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं बिना सीड के, उनको सीड की आवश्यकता नहीं है, उनमें कोई पार्ट ऐसा है जो कि मल्टीप्लाई होने में सहायता करता है। दूसरा ह्यूमन बॉडी ने जो तैयार किए गए है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ह्यूमन बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, जैसे अपन गुलाब लगाते हैं, गुलाब की कटिंग की, कटिंग करके दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, ये क्राफ्टिंग एक प्लांट में दूसरा प्लांट लगा दिया जाता है, या टिश्यू कल्चर करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, वो सब आर्टिफिशियल है, एयर लेयरिंग है। तो आर्टिफिशियल को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वो जिनके और जिनमें ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा प्रोपेगेशन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं रूट की बात करते हैं, तो रूट में कुछ पादपों में जो रूट के अंदर है वो मॉडिफाइड होती है, ट्यूबरस रूट बन जाती है, गांठ नुमा तरह इस प्रकार से रूट है वो कैसे जाएगी, जैसे फूली रूट बन जाएगी, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स, और इनको काट काट के लगा दिया जाता है ये रूट्स को, तो ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करने लगती है। तो इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, आइकोमिया बटाटा, आइकोमिया बटाटा, सतावर, एस्पेरेगस, जीनोस्पोरा, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनमें बर्ड्स और कुछ पादपों में क्या होता है कि एडवेंटेशियस बर्ड्स बन जाती है, जड़ों में ये जड़े हैं, जड़ों में क्या बन जाएंगी, बर्ड बन जाएगी, कलिका बन जाएगी, और ये कलिका यहाँ से पृथक होकर के जमीन पर नए पादप का निर्माण करती है, रूट का बनाया गया नए पादप का, इसको कहा जाएगा, इसको स्लिप कहा जाता है। यदि वेजिटेटिव एडवांटेजेस बर्ड के द्वारा नए पत्तियों नुमा संरचना का भूमि में ग्रोथ करके पर्नल शूट का निर्माण हो जाता है, इसमें लीफ पाई जाएगी, तो उसको कहा जाता है स्लिप, स्लिप उसको नाम दिया गया है। तो इस प्रकार के एग्जांपल मिलेंगे सीसम में, पॉपुलस, एग्जाम्पल गुआवा, डेलवर्जिया सीसो, पॉपुलस, गुआवा, इनमें इस प्रकार का नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा गया है। नेक्स्ट बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की, तो अंडरग्राउंड स्टेम पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, उसी का ये रूप है। देखिए जैसे राइजोम, राइजोम का एक टुकड़ा, यदि जिंजर या अदरक का आप एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें नोड पाया जाएगा, इंटर नोड होता है, वो पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब इनका मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें नोड और इंटर नोड पाई जाती है, और यहाँ पर ये नोड वाले पार्ट में इसके लिए लिप से ये जिंजर आप देखेंगे, अदरक जिंजर वाले यहाँ जो बर्ड बनेगी यहाँ इसके लिए लिप्स ढकी हुई पाई जाएगी, ये स्टेम है, तो यहाँ ये बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस बर्ड को यहाँ से रिप्रोडक्शन कट काट के आप लगाएंगे, ये अपने आप ही पृथक होकर के नए इसमें यहाँ पर जड़ बन जाएंगी, ऊपर की तरफ पत्तियों का फॉर्मेशन हो जाएगा, नीचे की तरफ जड़ों का निर्माण हो जाता है। इसको यदि आप
लगा दे तो ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा इसमें दिया गया है। कॉरम, कॉरम में वही है अरवी जो पादप है, अरवी पादप को आप देखेंगे वो लगाएंगे तो उसमें बर्ड्स निकल दिखाई देती है छोटी छोटी। आप अरवी को 4-5 दिन रख दीजिए फिर आप देखेंगे उसमें हरे रंग की छोटी छोटी बर्ड्स बनना शुरू हो गई है दोनों साइड स्केल लीफ से ढकी हुई। यदि आप उसको उगा देंगे तो बर्ड वाले पार्ट से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये कॉर्म कंद, कॉर्म कहा जाए घनकंद जिसको कहा जाएगा। ट्यूबर आलू, आलू का पहले वाले एग्जाम्पल हमने बताया उसमें आई में जो आलू है उसमें आई लीफ स्कार वो स्कार दिखाई देते बहुत से चिन्ह दिखाई देते जिनको आई कहा जाता है और वहां जो आई है वहां से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस वो बर्ड जो है वो धीरे धीरे आप देखिए आलू को कुछ दिन आप रख दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसमें देखेंगे जहां पर स्मूथ नहीं होता आलू कभी चिकना नहीं होगा उसमें गड्ढे मिलेंगे जगह जगह। तो कुछ दिन बाद आलू में से वहां से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती है कलिका और कुछ दिन बाद अगर ज्यादा दिन आलू रख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें न्यूट्रिशन तो होता ही है पूरा आलू के अंदर ट्यूबर के अंदर। तो उस आलू में कुछ समय पश्चात ही एक शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जैसे रिप्रोडक्शन किया जाता है इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है तो बड़ वाले पार्ट को काट कर अलग अलग स्थानों पर जमीन पर लगा दिया जाता है और बड़ जो आई वाला पार्ट है बड वाला जो पार्ट है नोड जिसको कह रहे हैं नोड काट के लगा देंगे तो कुछ दिन बाद वहां से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसमें आलू का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार आलू की खेती की जाती है। बल्ब जिसमें ऑनियन, ऑनियन को यदि आप छोटे ऑनियन है आप लगा दीजिए कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें नीचे जड़ बन जाएंगी ऊपर की तरफ रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी का एग्जाम्पल है गार्लिक, लहसुन, लहसुन में पूरे पूरे पोथी जो है उसको क्लब बल्ब जो कहा जाएगा पूरे में उसमें बहुत सारी बर्ड्स होती है अंदर छोटी 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 छोटी। तो आप प्रत्येक लहसुन का आप एक पौधा लगा दीजिए तो उसमें कुछ दिन बाद नीचे की तरफ रूट्स बन जाएंगे और ऊपर की तरफ नई पत्तियों का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब सीड की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट ही इसका निर्माण हो जाएगा प्लांट्स का और कुछ समय पश्चात फॉर्मेशन करके पूरे नई बल्ब या उसका पोड का निर्माण कर दे गुच्छे का। इसी प्रकार शकर, पुदीना, पुदीने में क्या होता है कि ये पुदीना है तो शकर इसकी तो ग्रोथ इसको कहा जाएगा। ये भी मैंने मॉडिफिकेशन उस टाइम में पढ़ाया था कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो अंडरग्राउंड है पुदीने की। मिंट और क्राइसेंथेमम में जो ग्रोथ होती है वो अंडरग्राउंड होती है जमीन की। यहाँ ये ऐसे ग्रोथ करेगा और ये ग्रोथ करने वाला पार्ट अंदर जमीन से अंदर की तरफ ये नए पादप का निर्माण करेगा। ये जो है कटिंग करके यहाँ से आप थोड़ी से नोड इंटर नोड पाई जाएंगी यहाँ से एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा पत्तियों वाला बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ से काट के लगा दीजिए तो नए स्थान पर जाके ये पूरे प्लांट का निर्माण कर देता है। शकर प्रकार का कहा जाएगा, इस प्रकार के स्टेम कहा जाएगा शकर। और है एरियल स्टेम, ये तो हो गया सारा स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम जो कि जमीन के अंदर है और इसके द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से। एरियल स्टेम में देखें तो कैक्टस आपने देखा होगा सबने, कैक्टस में ये कैक्टस का प्लांट है इसमें मॉडिफिकेशन हो गया कैक्टस फाइलोक्लेड पाए जाते हैं। तो फाइलोक्लेड का मतलब ये है कि तना जो है वो हरी पत्तीनुमा संरचना में मॉडिफाइड हो गया, पत्तियां इसकी कांटों में बदल गई है। तो यदि आप इसको यहाँ से कट हो जाता है किसी कारण से ये टूट के नीचे गिर जाता है तो ये वाला जो पार्ट है कोई सा ये सब नोड इंटर नोड है तो ये जो पार्ट है नीचे गिर कर क्या निर्माण करेगा, नीचे रूट्स का ये फॉर्मेशन करने लग जाएगा और पत्ती तो तना इसमें होता ही है। तो इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है, या तो आप नेचुरल लग जाता है या अपने आप ही टूट जाता है या इसको आप लगा भी सकते हैं टुकड़े करके और अलग अलग जगह लगा दी। इसमें स्टोरेज फूड पाया जाता है इसके अंदर। यहाँ आलू की बात की जाए तो इसमें स्टोरेज फूड होने के कारण से स्टोरेज फूड जो है उसके कारण से इसको जल्दी से उसी पोटेटो में इसका नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन कैसे लेता है स्टोरेज फूड के द्वारा। तो ये सारा का सारा आपने यहाँ अभी देखा है, इसके आगे पढ़ेंगे इसमें अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ेंगे और क्रीपर्स और लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे मैंने